हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMII पे। दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी लेके आते हैं, आपको स्टॉक मार्केट में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो तरह इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरी होती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है और जो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए तो आपको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो लॉन्ग टर्म में अच्छा डिविडेंड भी दे देते हैं। कई बार बाईबैक मिल जाता है, कई बार स्टॉक स्प्लिट मिल जाता है, तो बोनस भी कई बार मिल जाता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में कई बार आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलते दिखाई दे सकते हैं। एक ऐसा ही स्टॉक है जिसका आज हम एनालिसिस करेंगे, इसके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, दैट इज TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इस स्टॉक में आज गिरावट है, 1.75% की गिरावट के साथ ये स्टॉक 3261.90 की प्राइस पे ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में भी नेगेटिव ट्रेंड है और ये स्टॉक भी नीचे आपको जाता दिखाई दे रहा है। तो आइए, इसके Q3 के नंबर्स अभी डिक्लेयर हुए हैं उनको जान लेते हैं, डिविडेंड भी देख लेते हैं किस तरह का दिया है। एंड तक जरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहें, एंड में हम आपको डिटेल में निवेश की राय भी देंगे। सबसे पहले नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबा दें और इस वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर कर दें। तो आइए, इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लास्ट 5 डे का डाटा देखो, इस स्टॉक में कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रही है। लोअर सपोर्ट लेवल जो है वो 3210 के राउंड निकल कर आ रहा है, जबकि इसका जो रजिस्टेंस लेवल है वो आप देख सकते हो 3326 के राउंड जो है वो निकल कर आ रहा है। तो ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के बीच में आपको ट्रेड करता दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेट करता दिखाई दे रहा है, कभी गिरावट होती है कभी रिकवरी होती है। तो 1 मंथ का डाटा देख लेते हैं, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन ही देखने को मिली है। तो ये स्टॉक जो है कंटिन्यूसली कंसोलिडेट ही करता दिखाई दे रहा है, तो कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। 1 मंथ में नियरली फ्लैट ट्रेंड है, लेकिन 6 मंथ में ये स्टॉक स्लोली स्टेडली रिकवरी भी करता दिखाई दे रहा है। 4.76% की रैली यहाँ पर 6 मंथ में दिखाई दे रही है। यदि 1 ईयर का डाटा देखें, 15.93% की गिरावट है, क्योंकि आईटी सेक्टर अंडर प्रेशर चल रहा है, लास्ट 1 ईयर से अंडर प्रेशर है, तो इसीलिए इसके स्टॉक में भी गिरावट हुई है। तो और भी जो अच्छी अच्छी कंपनीज़ है वहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन लोअर लेवल से इस स्टॉक में अच्छी भी रिकवरी भी देखने को मिली है। 3000 के अराउंड इस स्टॉक का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से इस स्टॉक में रिकवरी भी देखने को मिली हुई है। तो 5 ईयर्स का डाटा देख लो, यहाँ पर बहुत ही शानदार रिटर्न है, 134.98% के बढ़िया रिटर्न्स है, मतलब 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज़्यादा कर दिया है। तो ये स्टॉक दोस्तों ऐसे ही होते हैं, 1 मंथ में कभी भी पैसा डबल नहीं करते हैं, जैसे कि पेनी स्टॉक्स में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क भी बहुत कम होता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है, स्लोली स्टेडली इसके चार्ट में रिकवरी ही देखने को मिलती है। तो अपने हाईएस्ट लेवल से इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी इस स्टॉक में आप देख सकते हो 5 सालों में कितने शानदार रिटर्न्स बन चुके हैं। तो क्लियर पैटर्न दिख रहा है लॉन्ग टर्म में, मैक्सिमम देखोगे यहाँ पे भी क्लियर स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, 2610% के मल्टी बैगर रिटर्न्स ही देखने को मिले हुए हैं। तो ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक है, वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। यदि इस कंपनी का मार्केट कैप देखो 12 लाख करोड़ का है, पीई रेशो देखो 30 के अराउंड चल रही है, डिविडेंड जील्ड भी सही है, 1.38% का तो कंपनी का डिविडेंड जील्ड ही निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों, अभी अभी इस स्टॉक में एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, कल ही इसके Q3 के नंबर्स डिक्लेयर हुए हैं। तो आइए इस स्टॉक को देख लेते हैं कि Q3 के नंबर किस तरह के रहे हैं और अब नंबर आने के बाद इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स को किस तरह की जो है वो स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो कंपनी के नंबर्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल डाटा एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी एक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, एक जेंट कंपनी है, ये जो मार्केट कैप है इस कंपनी का बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी जो है वो निकल कर आ रही है। सो दिस इज़ ए आईटी जेंट कंपनी एंड दिस कंपनी हैज़ रिपोर्टेड लोअर दैन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फॉर द 3rd quarter दैट इज़ एंडेड ऑन द December 22। तो जो दोस्तों क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके ऊपर मार्केट कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के बैठती हैं कि ये कंपनी इस तरह का प्रॉफिट शो करेगी, लेकिन इसके जो नंबर्स आए हैं वहाँ पे पैट में लोअर दैन एक्सपेक्टेड नंबर्स आए हैं, प्रॉफिट में जो है ग्रोथ हुई है, लेकिन जो नंबर्स हैं
वो लोअर रहे हैं दैन द एक्सपेक्टेशन, लेकिन रेवनू ने जो है वो एस्टिमेट्स को बीट कर दिया है। द रेवनू फिगर्स वर अहेड ऑफ द एस्टिमेट्स, तो मतलब इसके मिक्स ट्रेंड देखने को मिला है। जो सेल्स वॉल्यूम है, रेवनू है, वहाँ पे बेटर नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट के नंबर जो हैं दे आर लोअर। लेकिन ऐसे नहीं है कि प्रॉफिट ग्रो नहीं हो रहा है, दोनों नंबर ग्रो हो रहे हैं। द मैनेजमेंट फ्लैग द चैलेंजेस इन द यूरोप एज द क्लाइंट्स टाइटन स्पेंडिंग ड्यू टू द रफ कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक्स व्हाइल इट्स वर्कफोर्स श्रैंक फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द पेंडेमिक। दोस्तों यूरोप में क्या चल, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, आई टी सेक्टर की कंपनी है, ये जो कंपनी है ये यूरोप में और यूएसए में बहुत ही बड़ा बिजनेस करती है, डिफरेंट टाइप की आई टी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन दोस्तों आजकल आप देख रहे हो यूरोप में और यूएस में प्रेशर चल रहा है, वहाँ पे जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर के कारण और इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो है इस कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशंस वहाँ पे सही नहीं रही है, इसीलिए ही इस कंपनी के बिजनेस में थोड़ा सा जो है स्लंप देखने को मिला है और इसकी जो वर्कफोर्स है वो भी कम हो गई है फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द पेंडेमिक। तो आइए इसके नंबर्स थोड़े जो है वो डिटेल में देख लेते हैं और देख लेते हैं कि डिफरेंट जो रेटिंग एजेंसी है उनका क्या कहना है। द प्रॉफिट्स वर अप नियरली 11%, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल गई है, लेकिन दे वर लोअर दैन द एस्टिमेट्स एंड इट हैज़ मिस्ड द फॉरेक्स लॉसेस ड्यू टू द फॉरेक्स लॉसेस। एंड सेकेंडली रेवनू ने जरूर एस्टिमेट्स को बीट किया हुआ है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया है। ओवरऑल TCS की जो ग्रोथ है बहुत ही हेल्दी रही है इन द थर्ड क्वार्टर, फॉलिंग हेडकाउंट्स एंड बुक टू बिल रेशियो पॉइंट्स टू शार्प ग्रोथ मॉडरेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 24। वी ट्वीक अवर एस्टिमेट्स स्लाइटली एंड एक्सपेक्ट द TCS टू डिलीवर 11% EPS एवरेज CAGR over the financial year 23 to 25, while the TCS is better placed in the recessionary environment, its rich valuations will likely weigh on the stock performance। तो थोड़ी सी valuations की थोड़ी problem जरूर यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन company challenges environment में भी अच्छा perform करती है। दोस्तों financial year 22 का environment कोई अच्छा नहीं था, वहाँ पे inflation बढ़ गई है, दूसरा जो है वो war चल रही है, तो इसके बाद भी company ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है और फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी, इसीलिए जेफरी ने इस स्टॉक पे जो है वो 3500 के टारगेट दे दिए हैं। तो आज जरूर इसकी प्राइस में स्लंप है, क्योंकि इसके जो नंबर्स थे दे वर लोअर दैन द एक्सपेक्टेशंस। यदि एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की माने तो ये स्टॉक जो है वो 3600 से लेके 3700 तक के टारगेट तक भी जाता दिखाई दे सकता है, और उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है, लेकिन अभी भी टारगेट जो है वो पॉजिटिव हैं, बढ़िया हैं, आने वाले टाइम में आपको अच्छे टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं एज़ पर द दिस। यदि दौलत हम की बात करें, सॉफ्ट TCB, फ्लैट नेट हेडकाउंट्स एडिशन, वीक डिमांड इन द यूरोप सुजेस्ट अनफेवरेबल रिस्क रिवार्ड एज वी बिलीव द वैल्यूएशंस कैप्चर्स द स्टेबिलिटी बट नॉट द रिस्क ऑफ द फर्दर वीकनिंग मैक्रोज एंड थस मेंटेन द रिड्यूस रेटिंग। तो दोस्तों अभी भी यूरोप में आप देख सकते हो वॉर खत्म नहीं हुई है, तो कंपनी के ऊपर जो है वो प्रेशर रह सकता है, तो इसके टारगेट जरूर रिड्यूस कर दिए गए हैं 3400 से लेके ये स्टॉक 3600 तक के टारगेट तक जाता दिखाई दे सकता है एज पर द डिफरेंट जो है वो रेटिंग एजेंसीज। लेकिन दोस्तों ये एक अच्छी कंपनी है, इसका आप एक क्वार्टर का, दो क्वार्टर के नंबर्स मत देखो, इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छी है। कंपनी यूरोप में जरूर प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्टैग्नेशन शो कर रही है, लेकिन डिविडेंड बहुत ही अच्छा कंपनी देती है। कल कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा जो डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया था, कंपनी ने 75 पर शेयर का डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया था, तो बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट थी। 67 रुपीज़ का पर शेयर का एक स्पेशल डिविडेंड दिया हुआ है कंपनी ने, और दूसरा जो था प्लस 8 रुपीज़ का और डिविडेंड दिया था, तो टोटल मिला के इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 67 + 8 दैट इज़ 75 पर शेयर का डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो कंपनी डिविडेंड देने के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि जो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को भी जो है अच्छा पे आउट देती है, तो इसलिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, इसको अकमुलेट करें धीरे धीरे, एक क्वार्टर के लिए, दो क्वार्टर के लिए नहीं हम आपको रिकमेंड करेंगे, मैक्सिमम 10 ईयर्स के लिए इसको होल्ड करो, तो आपका बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे बनता दिखाई दे सकता है। इवन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। सो थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों कभी भी एक स्टॉक पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, हम
हमें अपना डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते रहना चाहिए।